फ्रेंड फ्रेंड्स प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और लाइक आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं आप करते हैं, दुआएं देते हैं, मेरा दिल बहुत खुश होता है और इसलिए और मज़ीद मेहनत करने दिल करता है। ये आज जो आटा बनाया है इससे आप डमरा मोरी गुलफाम थैला जो मर्ज़ी मारें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बाइट होंगी, बहुत मज़ा आएगा। पाकिस्तान इंडिया फिर सुन लें, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी दरिया पे नहर पे डैम पे शिकार खेलें, सारे आटे कच्चे पानियों में नहीं बनते भाई, आटे मुख्तलिफ तरीके से बनते हैं, इसका प्रोसीजर बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसे उसी तरीके से बनाएगा जिस तरीके से बता रहा हूँ, फिर रिजल्ट मिलेगा, बाइट मिलेगी। वीडियो पूरी देखेगा ताकि पूरी तफसील समझ में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको स्पेशल आटा बनाने दिखा रहा हूँ, स्पेशल आटा बनाने का तरीका देखिए, ये बहुत लाजवाब आटा है, ज़बरदस्त चीज़ है, मछली को ऐसे अट्रैक्ट करेगा जनाब दोस्तों आप लोगों की सोच भी नहीं है। चलें चलते हैं जी तैयारी की तरफ, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें। ये वो तरीका बता रहा हूँ जिसके अंदर मछली बहुत तेज़ से आपको बाइट देगी, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बाइट देगी, नहर हो दरिया हो डैम हो, इंडिया पाकिस्तान कहीं पर भी आप ये फार्मूला आजमा सकते हैं। देखें खेलेंगे आजमाएंगे तो बात बनेगी। आप लोगों ने अपने हैंड पर चीज़ सेट करनी है कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, किस चीज़ से आपकी सेटिंग होती है, क्या चीज़ आप शिकार के लिए अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, तभी बात बनेगी। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से हम लोग करते रहे तो फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखें प्रोसीजर की तरफ, ये तीन अदद जो है लहसुन के, आपने माल ज़्यादा बनाना है तो आप चीज़ ज़्यादा ले सकते हैं, सिर्फ तीन जोए हैं, ये तीन जोए लहसुन के लिए मैंने इसको इमाम दस्ते में डाल दिए। ये मैंने थोड़ा सा चावल लिया, ये मैंने चावल इसमें थोड़ा सा डाल दिया, ये डेमो के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जनाब इतना सा पापे का चूरा, रस का चूरा, पापों का चूरा, ये रहा पापों का चूरा, रस का चूरा, ये थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ रफली सा, ये जनाब मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके हैं और ये कारगर तरीके हैं, बेहतरीन तरीके हैं। मैंने ये इसको इसके अंदर जनाब लहसुन के जोयों को, पापों को, चूरों को मैंने इसके अंदर कूट देना, ऐसा रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे भाइयों दुआएं देंगे आप, ये इसका पूरा प्रोसीजर देख लीजिएगा, इजी प्रोसीजर है लेकिन पूरा देखना है, मिस नहीं करना, क्योंकि बाद में फिर दोस्त कहते हैं जी क्या किया तो समझ नहीं आया, भाई पूरी वीडियो नहीं देखते आप और फिर आप मिस कर जाते हैं चीज़ को तो फिर पता नहीं लगता कि आपने क्या देखा था, क्या किया था, क्या नहीं किया था, पूरा लाजम वीडियो को देखा करें, फ़ायदा वरना कोई नहीं होता भाई। ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छी तरीके से, ये मैंने जनाब इसको अच्छी तरीके से करना है, ये मैंने जनाब इसको अच्छी तरीके से कर दिया, ये आ गया जी अब इस फॉर्म के अंदर। ये लीजिए, अब चलना है हमने इसकी अगली तैयारी की तरफ कि आगे अब हमने इसको क्या करना है। अब चलते हैं अगली तैयारी की तरफ जनाब, ठीक हो गया जी, अगली तैयारी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये मैंने एक पैन को आग के ऊपर रख दिया, चूल्हे के ऊपर रख दिया, इसके अंदर जनाब ये देखिए, ये जो मैंने टेक्चर बनाया था ये टेक्चर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये मैंने इसके अंदर पलट दिया, ये मैंने इसके अंदर पलट दिया दोस्तों। चीज़ को पूरा ध्यान किया करें, ध्यान से देखा करें कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, ताकि इजीली आप दोस्तों को पता चल जाए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता। इसको मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स, ये देखिए ये है लाग, ये मैंने इसमें डाल दी लाग, ये मैंने लाग डाल दी, इस लाग के अंदर मेरा चराई वगैरह मौजूद है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं डालना। ये दोस्तों मैंने इसके अंदर लाग डाल दी, और ये लीजिए जी ये लाग डाल के, और ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा जनाब इसको पहले गेट देनी है मैंने, मैंने इसको हीट देने के लिए, हाँ 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 माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब,
क्या बताएं आपको, ये चीज़ें रेडी करेंगे तो दुआएं देंगे। सिर्फ वो कच्चे आटे ना खेला करो, हमेशा कच्चा आटा नहीं चलता मेरे भाई, ये पक्का हुआ आटा है, पक्का आटा। ये लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, ये है आटा जो हम लोग आम घर में इस्तेमाल करते हैं, मैंने थोड़ा इसमें डाल दिया। अच्छा, मेन चीज़ जो आज तक मैंने इस्तेमाल पहले कभी नहीं की वो आज होगी, जो आज तक इस्तेमाल नहीं की चीज़ हुई है वो है, इसे बोलते हैं जनाब सत्तू। ये मैंने दोस्तों इसमें सत्तू डाल दिया, ये लीजिए जी, क्या इसको मैंने भुनाई करनी है इसके अंदर। ये देखो इसमें कितना सारा इसमें जमा हुआ था, कितना सारा निकला है, और डाल इसको अब आप दबाएंगे, ये देखिए। लहसुन आलू भगो रहे जनाब, इसका रिजल्ट, इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेस कमाल होगी जनाब। आप ये सत्तू इसमें इस्तेमाल करना है, आम घर का आटा प्लस सत्तू, आम घर का आटा प्लस सत्तू, जहन में रखिएगा। सत्तू मैंने आपको पहली दफ़ा इस्तेमाल करके दिखाया है, ठीक हो गया जी, ये मैंने सत्तू पहली दफ़ा आपको इस्तेमाल करके दिखाया है। ले जी, ये तकरीबन हमने इसको हल्का सा वो करना था, इसकी जब तैयारी की वो है कि जिस वक्त खुशबू उठे बड़ी टाइट सी, तो समझ जाइए कि रेडी होने की तरफ है। ये जनाब खुशबू उठ गई, ये मैंने इसको में डाल दी, इसे ट्रे में पलट दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी सोच भी नहीं है दोस्तों कि क्या चीज़ बन गई है ये। ये मैंने इसको दोबारा इसके ऊपर रख दिया जी, ये दोबारा उसके ऊपर रख दिया मैंने इसको फ्लेम के ऊपर। ये जनाब आपके यहाँ से आपने लेना है थोड़ा सा, दो से तीन चार दाने ज़ीरा, ये देखिए क्या डाला, ये ज़ीरा डाल दिया। कितना चुटकियों का काम है, चुटकी चुटकी समझते हैं ना आप, चुटकी ये चुटकियों के हिसाब से डाल दिया मैंने। ये आ गई मेरे दोस्तों सौंफ, ठीक हो गया, ये कितना है, एक चुटकी, एक चुटकी मैंने ये डाल दी, बहुत है इतना इतना, इसको लाइट ना लिया करें। ये एक एक चुटकी डाल दी, चुटकियों का खेल है भाई, सिर्फ चुटकी चुटकी डालनी है आपने। ये लीजिए जनाब, ये आ गई जी आपकी हरी इलायची, ये मैंने इलायचियां तोड़ी, एक ये दो, ये दो इलायचियां तोड़ के मैंने दानों समेत डाल दी। अब मैं इसको जनाब खुशबू आने तक इसको बस ऐसे करता रहूँगा, जब तक खुशबू नहीं आती तब तक मैं इसको ऐसे करता रहूँगा, हिलाता रहूँगा जब तक खुशबू नहीं आती। ये इन चीज़ों का तरीक़ेकार है, ये चीज़ें खुद बता देती हैं कि हाँ जी हम रेडी की तरफ जा रहे हैं। ये इसकी अब खुशबू के लिए ये देखिए, हमारा चराई पाउडर जो इसमें है वो लाग में मिला हुआ है, चराई पाउडर लाग में मिला हुआ है। अब आपने इसमें क्या डाला है, ज़ीरा एक चुटकी, एक चुटकी सौंफ और दो अदद आम छोटी हरी सब्ज इलायचियाँ, ये डाल दीजिए। ये इसकी खुशबू उठने लग गई है, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया जनाब, और अब इसको चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। ये मैंने उठाया जनाब और ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया दोबारा इसमें, खुशबू इसकी लाजवाब है, ये देखिए जी।
नाम थोड़ा सही होता जी। ये लीजिए जी दोस्तों, ये मैंने उठाया और ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। और ये मैंने इसको हाथ से मिस कर दिया। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये जी देखिए जी, ये मैंने जो उतारा बनाया ये मैंने डाल दिया। इसके अंदर मैंने ये थोड़ी सी ये लाग डाल दी है जी, ये मैंने इसके ऊपर लाग डाल दी है। ये लीजिए जी। अच्छा, ये कटोरी के अंदर मारना भी ज़रा। ये देखो, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं अट्रैक्शन, देख रहे हैं। अभी इसमें लहसुन और लाग सिर्फ मिलाया और यहाँ पर आप देख रहे हैं जी काम शुरू हो गया। मक्खियाँ दिखाना ज़रा, इसमें मक्खियाँ भी आ गई हैं और साथ में चूटियाँ भी खिंचती भी आ रही हैं और साथ में भून भी आ रहे हैं। ठीक है जी, ये लीजिए जी, इसको इस तरीके से आप मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना। अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। ये बड़ा बम्बार्ड माल है, इसको जो है बहुत। ये लीजिए जी, थोड़ी सी लाख और डाल देना। चलिए, अभी मुझे बैठे हुए कितनी देर हुई होगी फ्रेंड्स, कितनी देर हुई है? बामुश्किल 10 से 15 सेकंड। ये चूटियाँ आ गई, ये देखिए सारी चूटियाँ 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 आ चुकी हैं। ये देखिए चूटियाँ सारी हो गई इधर। ये लीजिए जी, ये लीजिए, ये लीजिए। क्या याद करोगे मेरे दोस्तों, ऐसे तोहफे माल बनते हैं। ये आपको जो चीज़ें समझ रहा हूँ एज इट इज़ बनाने हैं। सारे आटे सीधे सीधे नहीं होते कि तीन चीज़ें चार चीज़ें मिलाई। हर चीज़ का अपना एक ताल्लुक है, अपना एक जोड़ तोड़ है। इसमें मैंने सिर्फ दो आटे मिलाए हैं। घर में खाने का सीधा आम सा गंदुम का आटा और जनाब अली अपना सत्तू। आज तक मैंने सत्तू कभी आपको मिला के नहीं दिखाया था, ये फर्स्ट टाइम सत्तू जो है मैंने इसके अंदर मिलाया है। और ये मैं हाथों में मिठाई इसकी रगड़ाई कर रहा हूँ। करने को ट्रे भी कर सकते हो लेकिन ट्रे छोटी है तो ताकि जल्दी काम हो जाए, गर्मी हब्स काफ़ी है। तो आप लोगों ने ये इस तरीके से आपने इसको बनाना है और बना के जनाब आपने इसको खेलना है। इसके ऊपर बाइट्स देखना आप, ठीक हो गया। डमरा, मोरी, थैला, गुलफाम, ये वो चीज़ आपको बना के दी है जिसके ऊपर सब चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। थैला भी, गुलफाम भी, डमरा भी, मोरी भी, कमाल इसकी खुशबू है, अनबिलीवेबल। आप लोग इसको खेलें। अब ये लीजिए, चाहे 5 कुंडी हो, पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया में किसी भी मुल्क में ठंडे गर्म पानी पे आप शिकार खेलते हैं, ये आइटम बनाए, ये आटा बनाए, याद करेंगे, दुआएं देंगे कि कोई आटा बनाए। इंशाल्लाह जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। बहुत शुक्रिया।